वहाँ से नीचे आ गया, इस जगह से नीचे से टेम्पू गया था वहाँ पे, कुछ सारे बंदे जो है Welcome back to another vlog. अभी मैं निकल रहा हूँ पीर की गली के लिए। सम्मी ने मुझे कॉल करी थी, मैं पुंछ में कल को मैंने यहाँ पे कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि यार था ही नहीं कुछ शूट करने को। अभी वो आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी दो फुलके फाड़ लेते हैं हम, उसके बाद जो हम निकलते हैं गाड़ी में बैठेंगे, पीर की गली चलेंगे। आज पीर की गली का व्लॉग बनाएंगे गाइस। गाइस निकल रहे हैं हम, वो मेरा पैर वेट कर रही है। पीछे गाड़ी जो है उधर पार्क कर रहे हैं वो, और हमें जो उतारा है बोला है जाके आप क्या लेके आओ, चेरी लेके आओ। हम चेरी के लिए जा रहे हैं, और पीर की गली का आज माहौल भाई इतना साफ सुथरा है, दिख रहा है? ओ भाई साहब, हैं ऐसे निकला था मैंने, ना ही बाल ठीक करे ना ही कुछ, फेस पे सोने भी नहीं दिया, रात को मच्छरों ने सोने दिया, सुबह इसने नहीं सोने दिया। अरे लोगों को देखने दे, हमारा पहले प्लान था कि हम जो है पीर की गली में रुकेंगे, तो अब इतना ज़्यादा रश देखने के बाद अभी हमने डिसाइड किया कि दुबजान जाएंगे। हाँ कराओ पहले, हाँ सुरनकोट से ही है, देखते हो सब्सक्राइबर्स गाइस। मेन वाली पार्किंग यहाँ पे, ये भी फुल हो चुकी है, और इधर तो लोगों ने रोड में गाड़ियाँ लगाई, मोटी वाली लाल लाल जल्दी खाना। यार अपना नाम तो बता दो यार। रफ्तार रफ्तार। भाई 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 कहाँ से हो? थाना मंडी से। थाना मंडी से इट्स रफ्तार भाई, इट्स रफ्तार इन द हाउस। बीमारी सुन रहे हो? है नहीं, करो अपना यहाँ पे भी बीमारी लगी। बुआ जी बाहर आ गए तो हम कुछ फोटोज वगैरह खींच लेते हैं। एक डेढ़ किलोमीटर पीर की गली से दूर आए होंगे, और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पूरे के पूरे से बादल छाए हुए हैं भाई। यहाँ बारिश का माहौल है, और उस साइड पे धूप लग रही है, उस साइड पे भी धूप लग रही है, और इधर सच में बारिश हो रही है। कैमरे में दिखाई नहीं दे रही होगी। यहाँ से हम नीचे चलेंगे, वहाँ पे चल के कहीं पे बैठेंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे। अगर हो सका तो वहाँ से घूम के थोड़ा सा ऊपर जाने की मैं और सम्मी ट्राई मारेंगे अपनी तरफ से। यहाँ पे सही है वैसे, वहाँ पे ज़्यादा रश हो रहा था। बकरियों और पेड़ों की शीट होती है जो उन्हें हम अपनी जुबान में मिंगने बोलते हैं। क्या फ्लैक्स था है, मैं आप लोगों को एक गप सुनाता हूँ, ठीक है? वहाँ पे एक है चेक पॉइंट है, बहुत लंबी लाइन थी लगी हुई, लाइक इतनी लंबी लाइन थी आप सोच नहीं सकते। शोएब भैया सुन रहे हैं ना, तो शोएब भैया KAS ऑफिसर, तो उसका हमें फ्लैक्स मुझे क्या दिखा कि किसी को नहीं जाने दे रहे। शोएब भैया ने गाड़ी इस साइड से निकाली, जाते 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 आगे पुलिस वाले, हाँ सर ये निकाला है मैजिस्ट्रेट, ऐसे कार्ड निकाला, सॉरी सर, ठीक है। फिर बंदे ने जाम क्लियर करवाया, किसी गाड़ियाँ साइड कराई, फिर कार्ड नेक्स्ट स्टॉप पे, फिर कार्ड निकाल के दिखाया, वो सर सर सर। ओ भाई क्या फीलिंग थी वो यार, मज़ा आ गया, बस मज़ा आया। पकड़ 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 हाय हाय गाइस, यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी मिला है ऐसे, तो इससे जो हम क्या करते हैं यहाँ पे हाथ वगैरह धो लेते हैं, और यहाँ पे बैठ के हम कुछ खा भी लेते हैं, वहाँ पे फिल्म नहीं करेंगे। फिर मैं और सम्मी जो है इधर उधर साइड पे चल के कुत्ते पंकाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, है सम्मी? ठीक है सब, चल यार। सम्मी का चश्मा भाई, मेरा फेस ही एक तो ऐसा मैसा है, तो खा लेते हैं कुछ वहाँ पे बैठ के। बाकी तीनों बंदे अभी खाना खा रहे हैं, और मैं और सम्मी उठ के चले। भाई तेरे को क्या करना है नहीं यहाँ पे आके खाना हजम कर रहा है भाई ये बंदा। बस हो गई,
तक वो खाते सुन ना, तब तक हम चलते चल के पानी में नहाते भाई। यहाँ तो एकदम मजा है भाई साहब, मजा। मैंने और सम्मी ने प्लान बनाया था कि हम पानी में नहाएंगे, पर पानी इतना ज्यादा ठंडा, ऊपर से शोएब भाई बिल्कुल मान ही नहीं रहे कि पानी में नहीं नहाना, ज्यादा ठंडा है, कोई रग ब्लॉक हो जाएगी, जाम हो जाएगी, जाम हो जाएगी, जाम हो जाएगी। मैं जो है नदी को पार करता हूँ पानी से, जाम हो गए बहुत बुरे तरीके से। खैर अच्छा है, कुल मिला के गाइस मैं जा रहा हूँ फिर से बुआ जी को वहां से लाने, कैमरे के पीछे है सम्मी, सम्मी सम्मी गाइस। हाय हाय भाई, पहुंच गए यार, पहुंच गए मेरे। चल चल चलो निकलते हैं यार। ओ भाई इथे आए, इथे भी चाह, अभी हम चाह पी के जी फुल्ली एनर्जाइज, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जेटिक, क्या बोलते हैं उसको, लोड। 3 घंटे से मैं ऐसे ही रुबड़ा रबड़ा भाई पैड़ी बूथी लेके घूमे जा रहा हूँ। क्या परवाह है यार, सच में मेरे को इतना सा बनना तरना सजना सवरना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे है ना। अच्छा उठाए कपड़े डाले, मुंह धोया होता है, उठ के ऊपर लगा ली कोल्ड क्रीम, कोई तो मुँह भी नहीं धोया। कोल्ड क्रीम क्या, लोशन भाई, जो लोशन आप लोग ऐसे बाजुओं पे चेपते हो वो लोशन ऐसे मुँह पे लगाए, कुछ नहीं होता क्या, रियल है तो रियल है। तो जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे भी हम जाते हैं ना, निकलने वाले हों तो बारिश हो जाती है स्टार्ट। कब से बारिश ने पूरा माहौल बनाया हुआ था, चाय पीने लगे बारिश उतर गई, चाय पी के ऊपर चढ़े जैसे ही बारिश चली, बारिश गायब भाई साहब, बारिश का पता ही नहीं, बारिश आई भी थी या नहीं आई थी। यहाँ से दूर से आता है यहाँ पे, तो आप सिर्फ चाय बना के लेके आओ, केक्स और बेकरीज आपको यहाँ पे फ्री। यहाँ पे जो है रश हो रहा है, जब हम आए थे तब आपने देखा होगा यहाँ पे कोई भी नहीं था, अब यहाँ पे एक ही गाड़ी थी, अब यहाँ पे 1-2-3 खत्म, इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई, खत्म, टाटा गुड बाय, अब मज़ा मतलब यहाँ का खत्म हो गया। ब्रेक नहीं लग रही गाइस, ब्रेक्स नहीं लग। आगे हैं यहाँ पे अली आबाद की सराय देखने के लिए, हाँ अली आबाद का जिसे किला बोलो, ये कितनी खूबसूरत जगह भाई ये, हम कहाँ थे पहले। सामने नीचे अली आबाद की सराय, हजार बार में बोल चुका गाइस, ये नीचे वो खंडर जिसको हम देखने के लिए आए थे, और मसला यूँ हुआ कि वो आ ही नहीं रहे नीचे, बोले कि बारिश आ गई हमें घर वापस जाना है, तो अभी हम यहीं से गाइस हम यहीं से यू टर्न लेंगे गाइस। मैं जो बता रहा था, एक से छोटी छोटी सी वेजिटेशन हमको दिखाई दे रही है ना, इसी को हम अपनी लैंग्वेज में बिट्रू बोलते हैं। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट टाइम आएंगे पक्का। ओ बारिश आ गई, बहुत ज्यादा मूड आओ, आर्टिफिशियल नहीं आई भाई, यहाँ की आर्टिफिशियल नहीं होती बारिश, पर रास्ता तो देखो। टारियम जो वो नीचे सराय बनाई हुई है ना, वो इतनी सही जगह पे है, इस साइड पे पहाड़ है, उस साइड पे पहाड़ है, एक तो पानी के साथ और ऊपर से और ऊपर से ऐसे एकदम सिंपल सा ग्राउंड यार, देखा कितनी सही जगह देख के बनाई हुई है वो। गाइस थक गए। इस जगह से नीचे ऐसे टेम्पो गया था वहाँ पे, कुछ सारे बंदे जो है क्लास, वो उसके सिर्फ ऐसे रुइंस दिख रहे हैं, छोटा छोटे छोटे ऐसे भाई, यहाँ से जाएगा नीचे तो बहुत ज़्यादा स्टीप है, क्या ही बचेगा बीच में। खैर निकले, चलो जगह बहुत खतरनाक है, वो टेम्पो है ही नहीं, सिर्फ इतना दिखाई दे रहा, पता है यहाँ से लेके वहां तक पूरी दीवार में एक सीधा पत्थर लगा हुआ है, पता है एक सीधा पत्थर है। ओ भाई ये कैसे काटा होगा, ओहो यहाँ पे वैसे बैठने की जगह बनाई हुई है ये गाइस, जो हम ढोक में जाते हैं वहां पे भी ऐसे टारे बने हुए, ऐसे नहीं है इतना बड़ा पत्थर कोई नहीं है वहाँ पे, पर स्टिल है पत्थर बड़े बड़े। मैं यहाँ से अंदर घुसा था भाई, हाड़े करने पड़ते हैं फोटोज के लिए। खैर निकलते हैं, अभी बारिश स्टार्ट हुई थी और अभी से धूप लगनी शुरू होगी।
स्टॉप। हम रुक गए आके पीर की गली में। अभी यहाँ पे बारिश भी होगी शुरू और ऊपर से खप बहुत ज्यादा है, रश बहुत ज्यादा है। कहाँ जाए, उस हाथ में डिक्की भी खुल गई है। चलेंगे तुम चाबी? हाँ मेरा जैकेट पी। मैं और सम्मी सोच रही यार अंदर ठीक है, गर्म गर्म कॉजी कॉजी, बाहर कौन जाए। पर कावा पीना यार, मेरे को कावा यहाँ का बड़ा पसंद आता है यार। काफी दिनों पहले हम यहाँ पे आए थे कश्मीर से वापसी पे, और तब भी जो है यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, है ना। व्लॉग मैंने बनाया था, नहीं देखा जाके बोल। हम शांति से बैठ के अपना जो है कावा एंजॉय कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ऐसा कैसा है टेस्ट करके बता देते। काश आपको टेस्ट करवा सकता। पहले समी बोला था कि ये जो है ये क्या है, व्यू पॉइंट है। साइड पे लिखा, साइड पे लिखा हुआ था वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट। एक्चुअली यहाँ ये ऐसा वाला कुछ ब्रिज है, पुलिस ही बनी हुई, इसके ऊपर नाम तो लिखा हुआ है नहीं है। तो ऐसे ही बताते हैं कि हम निकले आज यार, हमारी कुछ भी चीज़ें जो है यार क्यों हम किसी का मौजू ले रहे हैं। असल में हुआ यूँ कि आज हमारा दिन कुछ भी प्लान्ड नहीं गया। पीर की गली रुकना है नहीं रुकना, भाई दुबजान जाना है नहीं जाना, सराई के इतने पास से बिल्कुल ऐसे छू के ऐसे इतने पास से वापस आ गए। ऊपर आए तो बारिश रुकी, यहाँ आए तो बारिश स्टार्ट हो गई। अब लोग करें तो करें क्या जाएगी भाई, ना इधर के ना उधर के। पीर की गली हम रुके वहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर, मतलब दिन निकल गया जैसा भी निकला, पूरे दिन से ऐसे व्लॉग कर करके। तो अभी मसला यूँ है कि हम यहाँ से उड़ेंगे सीधा से। यार वो असल में वहाँ पे एक ग्रुप एक था कुछ बंदूक का, तो वो ऐसे ऐसे करके कुछ फोटो ले रहे थे, तो इसने भी गाड़ी से बाहर निकले। अरे बस कर भाई, यहाँ से जाऊँगा रूम में जाके वहाँ पे वीडियो एडिट करूँगा भाई, फाइल ट्रांसफर करूंगा। मेरा पूरा गलत दुख रहा है और सर मेरा चकरा रहा है। ऑब्वियसली जाके चाय पियेंगे। क्या पियेंगे? चाय, चाय, वो भी अच्छी कड़क वाली चाय। तो होप यू गाइस एंजॉयड। बस यहीं तक था आज का व्लॉग। यार मैंने व्लॉग इसलिए निकल बनाया क्योंकि पता है आपको यार कुछ होता नहीं, बना लिया पका 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 के मैंने, मतलब समझ रहे हो ना, समझ जाओ यार, समझदार बन गए अब। लाइक मर्जी आपकी, चलो ठीक है यार, जो मर्जी करो यार। लास्ट में होप यू गाइस एंजॉयड। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज। वो इधर पीछे वाली साइड पे बंदे क्या कर रहे क्या कर रहे पीछे 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 तुम्हें जय हो जय यूट्यूब। अब मुझे नहीं पता यार, ये आज के बाद ये मेरा नया जब भी बाय बाय बोलना चले बस ठीक है यार, अभी तक मैं वैसे ही पकाए जा रहा हूँ बाय बोलने के बाद।